हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और उसके साथ साथ ही हम कर लेंगे वाटर, एयर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स को भी। और एक्ट का जो जितना भी पार्ट है ना पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट के अंदर, उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉपिक। देखो, अगर हम देखें कि ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, कहाँ से ये सोच आई कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि देखो उससे पहले 1986 से पहले कोई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं बनाया गया था, कोई लॉ नहीं बनाए गए थे। तो क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर स्टॉकहोल्म जून में 1972 में, ठीक है। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे कहा गया था कि हमने कुछ एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने हैं किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए एनवायरनमेंट की, ठीक है, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं। और वो सभी उनको कंसीडर करते हुए ही हमने कुछ सोचा कि हम अपने डिसीजंस जो हैं वो डालेंगे, लगाएंगे, ठीक है, ताकि जो प्रोटेक्ट हो सके और इम्प्रूवमेंट हो सके एनवायरनमेंट के अंदर, और प्रिवेंट हो सके उन हजार्डर्स से, यानी हानिकारक तत्वों से, हम ह्यूमन बींग्स को बचा सकें, दूसरे लिविंग क्रिएचर को बचा सकें, प्लांट्स और प्रॉपर्टी को भी बचा सकें, ठीक है। तो इंडिया जो है उसका जो उसने सितंबर में एनवायरमेंटल लेजिग्लेशन बनाया, इट मींस यानी कि 42nd अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1976 में, जहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाले गए स्टेट के द्वारा, किससे कंसर्न थे वो, प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंट को और फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को एक कंट्री की, यानी कि इंडिया के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 51A में क्या कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट्स है वहाँ पे उसके अंदर ये डाला गया कि ये हर एक की ड्यूटी है, हर इंडियन सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करें, इम्प्रूव करें नेचुरल एनवायरनमेंट को, ठीक है। उसके अंदर इंक्लूड होंगे हमारे फॉरेस्ट हो गए, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ जो हो गई हमारी, और सबके उनके साथ कंपैशन होना चाहिए, लिविंग क्रिएचर के साथ सहानुभूति होनी चाहिए, यानी कि उनको मार रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 48A में कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डाले गए, ठीक है, स्टेट के द्वारा, और कहा गया कि स्टेट जो है वो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेगा, उनके सेफगार्ड के लिए, ठीक है ना। कुछ भी वो कोई भी कह सकते हैं प्रोविज़न डाल सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अपनी घोषणा कर सकता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आया हमारा 19 नवंबर में आया, ठीक है, 19 नवंबर 1986 को आया। वो क्यों आया, देखो क्या हुआ, भोपाल में ट्रेजेडी हुई 1984 में, जो कि सबको पता है काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी थी, और वहाँ से एक वेकअप कॉल आया, ठीक है, और फिर लगा कि हमें एक प्रॉपर एक्ट बनाना चाहिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा बना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक 1986, जिसके 26 सेक्शन हैं, ठीक है, और हमारे 4 चैप्टर हैं, तो उनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट क्या है, ये एक्ट जो है क्या बुलाया जाएगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, इट मींस जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है, तब से ही। इट शेल कम इन टू द फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजटी अपॉइंट, एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड फॉर द डिफरेंट एरियाज, इट मीन्स हर अलग एरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविज़न जो है स्टेट लगा सकती है इस के कंसर्न में, इस एक्ट के कंसर्न में किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी प्रोविज़न बना सकती है, ठीक है। उसके इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि स्टॉकहोल्म में 1972 में जो हमने सोचा था कि हमने इम्प्लीमेंट करने डिसीजन, तो उसको इम्प्लीमेंट कराना है। टू अनेक्ट ए जर्नल लॉ ऑन द एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन विच वर लेफ्ट अनकवर्ड बाय एग्जिस्टिंग लॉज, जो हमारे आर्टिकल 51A में था, ये जो हमारी अमेंडमेंट्स की गई थी उसमें जो प्रोविजंस रह गए थे, तो एक तरह की जर्नल लॉ बनाना है, उन प्रोविजंस को जो लैक रह गया था उसको ख़त्म करना है, ठीक है। और मोर एंड मोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोल्यूशन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ हजार सब्सटेंसेस रादर देन ऑन जनरल प्रॉब्लम दैट चीफली कॉज्ड मेजर एनवायरमेंटल हजार्ड्स, तो एक तरीके से
पूरा प्रॉपर प्रोविजंस बनाने हैं स्पेशल कैटेगरीज के लिए भी, और एक जनरल लॉ बनाना है हमने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। जो जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसी है उनके बीच में इसी ने ही कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन अथॉरिटी एंड अथॉरिटीज़ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। यानी कि अथॉरिटीज़ और क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सब इसके अंदर दी गई हैं। टू प्रोवाइड ए डेटरेंट पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट दी जाएगी, क्या पेनल्टीज़ लगेंगी अगर कोई ह्यूमन एनवायरनमेंट को इंडेंजर में डालता है, उसकी सेफ्टी को, उसकी हेल्थ को, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे 4 चैप्टर हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर फर्स्ट है वो प्रीलिमिनरी है, जिसमें सबसे पहला था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट, जो आपको ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है ना, अभी कराया ना आपको। उसके बाद है हमारा डेफिनेशंस है 2 के अंदर, ठीक है। और फिर चैप्टर 2 शुरू हो जाता है जिसमें जनरल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसमें पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट है। 4 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड देयर पावर एंड फंक्शन है, पावर ऑफ टू गिव डायरेक्शंस है, रूल्स एंड रेगुलेटिव रेगुलेट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है। देखो क्या है कि 4 चैप्टर हैं इसके, अगर मैं पूरा लॉ पढ़ाने लगूँ ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वो सब यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। देखो अब चैप्टर 3 है, उसमें प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, ठीक है। जिसके अंदर सेक्शन 7 के अंदर है हमारा पर्सन कैरिंग ऑन इंडस्ट्री ऑपरेशन एक्सेट्रा नॉट टू अलाउ इमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड। यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में ऑपरेशन कर रहे हैं ना पर्सन, उनमें हमें एक लिस्ट बनानी है कि जिस चीज़ को डिस्चार्ज नहीं करना है एनवायरमेंट में, और कितना कितना आप कर सकते हैं वो सब, ठीक है। पर्सन हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंसेस टू कंप्लाई विद प्रोसीजरल सेफगार्ड, जो पर्सन हैंडल कर रहे हैं हजार्डस सब्सटेंसेस को तो उनका क्या प्रोसीजर है सेफगार्ड का, वो प्रोसीजर अपनाना है, ठीक है। फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटीज एंड एजेंसीज इन सर्टेन केसेस, कोई सर्टेन केस ऐसा आ जाता है तो कैसे इंफॉर्मेशन जो है अथॉरिटीज एंड एजेंसीज के पास जानी चाहिए। पावर्स ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, क्या पावर्स ऑफ एंट्री है इंस्पेक्शन की। पावर्स टू टेक सैम्पल एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कनेक्शन देयर विद, कि क्या क्या पावर्स हैं, कैसा कैसे सैंपल हम ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इस कनेक्शन में। इन्वायरमेंट लेबोरेटरीज कौन कौन सी होंगी, गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या रहेंगे, रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट कैसी रहेगी, पेनल्टीज़ क्या रहेंगी फॉर कन्वेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स ऑर्डर एंड डायरेक्शंस, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रावेंशन सॉरी, यानी कि कोई अगर इस एक्ट के प्रोविजंस रूल्स को ऑर्डर्स को नहीं मान रहा है तो क्या पेनल्टी रहेगी, ऑफेंसेस बाय कंपनीज क्या है, ठीक है, ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो तो क्या होगा, तो ये सब इसके अंदर आएगा। उसके बाद चैप्टर 4 है हमारा मिसलेनियस है जिसके अंदर, यानी सेक्शन 18 में, ये मैंने सेक्शन के अकॉर्डिंग है, ये 26 सेक्शन आ गए हमारे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि मैंने सेक्शन के अकॉर्डिंग उसका आपको जो हेडलाइन है वो दी हुई है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कॉग्निशन ऑफ ऑफेंसेस सेक्शन 20 में है, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स 21 में है, मेंबर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एंड देयर अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, पावर ऑफ डेलीगेशन है 23 में, इफेक्ट्स ऑफ अदर लॉ है, पावर टू मेक रूल्स है 25 में, 26 में रूल मेड अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। देखो इसमें क्या करना है आपको, ये सेक्शन एक एक बार पढ़ लेना, और जो मेन मेन है जैसे पेनल्टीज़ का हो गया तो पेनल्टीज़ का आपको पता होना चाहिए 15 है, ऑफेंसेस बाय कंपनी है 16 है, ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो ये आपको जो मेन मेन है ये पता होने चाहिए, ये याद रखने हैं, तो एक बार आप रीड आउट कर लोगे तो कुछ ना थोड़ा बहुत आपको लर्न हो जाएंगे, और ये वाले तो आपने याद करने ही करने हैं, पेनल्टीज़ ऑफेंसेस कंपनीज, ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ एनी इन गुड फेथ हो गया, या फिर ये सब, ठीक है, ये आपको लर्न करने ही है, ओके। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्शन 2 है वो हमारा डेफिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सेक्शन 2 के अंदर हमारी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2A में इन्वायरमेंट की, कि इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है हमारा वाटर एयर एंड लैंड एंड देयर इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर एयर लैंड एंड ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी,
तो ये जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव बन रही है, यानी कि छोटी नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड हो गया ना हमारा, ठीक है। सेकंड पे है यानी कि 2B के अंदर है हमारे एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट, ठीक है, मींस एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच कंसंट्रेशन मे बी और एंड मे बी टेंड टू बी इंजरियस टू एनवायरनमेंट, ठीक है। सेक्शन 2C में हमारी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें कहा गया है कि मींस द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंट ऑफ एनी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट, यानी कि अगर एनवायरमेंट के अंदर कोई भी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट है तो वो क्या हो गया, एनवायरमेंट पॉल्यूशन आ गया। दिस इम्प्लाइज द इम्बैलेंस इन एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट के अंदर इम्बैलेंस डाल रहा है, कोई भी मटेरियल सब्सटेंस है जो चाहे वो मिक्स है हमारे एयर में, वाटर में, लैंड में या अदर प्रॉपर्टीज़ में, इस तरीके से कि जो उस एयर को, वाटर को या लैंड को अगर यूज़ करता है मैन या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो क्या हो रही है, डेंजरस हो रही है हेल्थ के लिए, ठीक है। और सेक्शन 2D में क्या क्या है, हैंडलिंग की डिफिनेशन दी है, हैंडलिंग इन रिलेशन टू एनी सब्सटेंस मींस द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, यूज, कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन, कन्वर्जन, ऑफरिंग फॉर सेल, ट्रांसफर और लाइक ऑफ सच सब्सटेंस। तो हम अगर इन सब्सटेंस से रिलेटेड कोई भी काम करें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का करें, चाहे प्रोसेसिंग में वो चीज़ें काम आ रही हैं या ट्रीटमेंट पैकेजिंग वगैरह सब करें, तो वो सब हैंडलिंग के अंदर आएगा। हजार्डियस सब्सटेंस की डेफिनेशन दी हुई है 2E में, मीन्स एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन विच बाय रीजन ऑफ इट्स केमिकल एंड सोशियो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ और हैंडलिंग इज लाइबल टू कोज हार्म टू ह्यूमन बींग, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल है, जिसको हैंडलिंग करने की पहले डेफिनेशन दे दी, लाइबल हो रही है, जिसके से क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है ह्यूमन बींग्स को या अदर लिविंग क्रिएचर्स को, प्लांट्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इवन प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट को, ठीक है। 2F में दी हुई है अकुपायर इन रिलेशन टू एनी फैक्ट्री और प्रेमिसिस मीन्स ए पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर the affairs of the factory or the premises and include in relation to any substance the person in possession of the substance, यानी occupier वो हैं, वो मालिक हैं उस premise के या factory के जो ये काम कर रहे हैं ना, ठीक है, इन substance को use कर रहे हैं या कुछ भी। 2G जो है उसमें है prescribed, means prescribed by rule made under this act, ठीक है। अब आ रहे हैं पावर ऑफ सेक्शन जो हमारा 3 है उसके अंदर है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसके सब सेक्शन है हमारी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या तो यहाँ पे पावर है, क्या वो मेज़र ले सकती है प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए एनवायरनमेंट को, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू टेक ऑल सच मेजर्स एज इट डीम्स नेसेसरी और एक्सपीडियंट फॉर पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड अबेटिंग द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी को पूरी पावर है कि वो कोई भी मेजर्स ले सकती है, कोई भी नेसेसरी एक्शन ले सकती है प्रोटेक्ट करने के लिए इसे एनवायरमेंट को, ठीक है। सच मेजर्स मे इंक्लूड द मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर, नेमली कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अदर अथॉरिटीज़, वो चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट करें हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट से ऑफिशियल हैं, तो उसके लिए भी कुछ अगर प्रोविज़न बनाने तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, कोई नेशनल वाइड प्रोग्राम बनाना चाहती है तो उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करा सकती है वो, ठीक है। लेइंग डाउन स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इन वरी सस्पेक्ट, तो वरी सस्पेक्ट से लेकर के वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि इस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए, इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। लेइंग डाउन स्टैंडर्ड ऑफ फॉर एमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स एंड वेरियस रिसोर्सेज, तो वेरियस रिसोर्सेज के लिए वो स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि इतना ही डिस्चार्ज हो सके एनवायरमेंट जो पॉल्यूटेंट है एक्सेट्रा, ठीक है। Whatsoever provided that different standard of for emission and discharge may be laid down under the clause of different sources having regard to the quality or composition of emission or discharge of environmental pollutant from such sources. तो जो भी हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उनके लिए कोई भी प्रोविज़न बनाना है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बना सकती है, क्योंकि देखो हमें अपनी डेवलपमेंट भी करनी है, इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ाना है और उनमें ये सब यूज़ होते हैं, तो गवर्नमेंट को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो
उस वजह से वो कुछ ना कुछ परमिशन देते हैं कि इतने तक आप इमिशन कर सकते हैं चीज़ों का. रिस्ट्रिक्शन ऑफ एरिया इन विच एनी इंडस्ट्रीज ऑपरेशन और प्रोसेस और क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज ऑपरेशन और प्रोसेस शैल नॉट टू बी कैरिड आउट और शैल बी कैरिड आउट सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफ गार्ड्स. तो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो वहाँ उन एरियाज़ में फैक्ट्रीज लगाना प्रोहिबिटेड होता है. तो वो बता सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि ये एरिया जो है रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ आप इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते हैं. ठीक है. लेइंग डाउन प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स विच मे कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड रिमेडियल मेजर फॉर सच एक्सीडेंट्स. तो भाई ये देखने के लिए कि भाई आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी ऐसी यूज़ कर रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो, जैसे भोपाल ट्रेजेडी हुई थी. ठीक है, गैस का काम कर रहे हैं, तो भैया इस तरीके का प्रोसीजर होना चाहिए, इस तरह के प्रिवेंशन आपको ले करके चलने. वो सब मेजर्स जो हैं, प्रिवेंशन जो हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, लगाएगी, प्रोसीजर बताएगी कि इस तरीके से आपने काम करना है, तभी आप ये कर सकते हैं. ठीक है. लेइंग डाउन प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस. बिल्कुल, जो हैंडलिंग है हजार्डियस सब्सटेंसेस की, उसके लिए भी प्रोसीजर और सेफ गार्ड्स बनाएगी. एग्जामिनेशन ऑफ सच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मटेरियल एंड सब्सटेंसेस एज आर लाइकली टू कॉज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन. बिल्कुल, उनका एग्जामिनेशन नहीं होगा, अगर इंस्पेक्शन नहीं होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो प्रोसीजर जो हैं फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं. ठीक है. कैरिंग आउट एंड स्पॉन्सरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. बिल्कुल, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा, रिसर्च भी की जाएगी इन प्रॉब्लम्स के लिए कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं. ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग रिसर्च भी की जानी चाहिए. इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रेमाइसिस प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग और अदर प्रोसेसेस मटेरियल एंड सब्सटेंसेस एंड गिविंग बाय ऑर्डर ऑफ सच डायरेक्शन ऑफ सच अथॉरिटीज ऑफिसर और पर्सन एज इट मे कंसीडर नेसेसरी टू टेक स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. तो वो किसी भी प्रीमाइस की, प्लांट की, इक्विपमेंट की, मशीनरी की, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका प्रोसेस है, कोई मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, जो जो भी चीज़ें हैं, उन सब का इंस्पेक्शन कर सकती है. किसी बंदे को भेज सकती है कैसे, और वहाँ पे उस चीज़ का इंस्पेक्शन कर सकती है कि आप वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं या नहीं, आपकी मशीनरी किस तरीके की है, आप किस तरह का प्लांट यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो ताकि नेसेसरी स्टेप्स जो हैं लिए जाएँ प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के, अगर उन्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि मिसिंग है या आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो. ठीक है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज भी बनाएंगी. ठीक है. एन इंस्टीट्यूशन टू कैरिंग आउट द फंक्शन इंटरेस्टेड टू सच एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज एंड इंस्टीट्यूशन अंडर दिस एक्ट. तो इन लेबोरेटरीज को मतलब वर्क कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे. कलेक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर रिलेटिंग टू एनवायरमेंट पोल्यूशन. तो वहाँ की कितना डिसमिनेशन हो रहा है या फिर कितना कलेक्शन हो रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है एनवायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड वो भी कलेक्ट करनी है ना. ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल्स कोड्स एंड गाइड्स रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो प्रिपरेशन करनी है मैनुअल्स की, कोड्स की. ठीक है. सच अदर मैटर्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स नेसेसरी और एक्सपीडियंट फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट. ठीक है. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखो सेक्शन 5 में क्या दिया हुआ है. द सेंट्रल गवर्नमेंट मे इफ इट कंसीडर्स इट नेसेसरी और एक्सपीडियंट सो टू डू फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेटी कंस्टिट्यूट एन अथॉरिटी और अथॉरिटीज बाय सच नेम और नेम एज मे बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सरसाइजिंग और परफॉर्मिंग सच ऑफ द पावर एंड फंक्शन इंक्लूडिंग टू द पावर टू इशू डायरेक्शन. ठीक है. अंडर सेक्शन 5 में कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अथॉरिटी बना सकती है ऑफिशियल गजेटी में, बस उसको अनाउंस करना है. ठीक है. ऑफिशियल गजेटी में देना है और कोई अथॉरिटी बना सकती है किसी भी नाम से. ठीक है. और काम करवा सकती है कोई नया, अगर वो अथॉरिटी बनाना चाहता है किसी भी चीज़ इस चीज़ के रिगार्डिंग की, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, तो वो कर सकता है. ठीक है. सबसेक्शन 2 में कहा है एज मे बी मैंशनड इन ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविजन ऑफ सच ऑर्डर सच अथॉरिटी एंड अथॉरिटीज में एक्सरसाइज द पावर और परफॉर्म द फंक्शन और टेक द मेजर सो मैंशनड इन ऑर्डर एज इफ सच अथॉरिटी और अथॉरिटीज हैव बीन एम्पावर्ड बाई दिस एक्ट
टू एक्सरसाइज दोज पावर और परफॉर्म दोज फंक्शन और टेक सच मेजर्स। तो जो उसने अथॉरिटी बनाई है वो अथॉरिटी को अगर पावर दी हुई है तो वो भी आगे एक्शन ले सकती है, मेजर्स कर सकती है और उसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोसेस अपना सकती है। ठीक है, अब देखो, इन द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट, कुछ केसेस ऐसे हुए जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया आल कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल आर मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, जो 20 साल से ऊपर के जितने भी व्हीकल्स हैं शैल बी फेज्ड आउट, नॉट परमिटेड टू अप्लाई इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी दिल्ली में ये नहीं होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1998 में वर्डिक्ट आया ये, ठीक है। आल सच कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स विच आर, फिर हो गया ये 17 टू 19 ईयर ओल्ड, ठीक है, शैल नॉट बी परमिटेड टू अप्लाई आफ्टर, मतलब कि 15 नवंबर 1998 के बाद से, यानी अक्टूबर के बाद फिर दोबारा आया नवंबर में, तब इन्होंने कर दिया 17 से 19 साल, ठीक है, तो कोई भी नहीं आने चाहिए कमर्शियल व्हीकल, उनको सड़क पे चलना नहीं है, ठीक है। सच द कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल विच आर 15 years to 16 years old शैल नॉट बी परमिटेड टू अप्लाई आफ्टर 31 दिसंबर में, ये आ गया 1998 में, फिर से चेंज हुआ, इट मीन्स दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू ऑल कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल वेदर रजिस्टर्ड इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द इंडिया, सॉरी टेरिटरी ऑफ दिल्ली और आउटसाइड, विच आर ऑफ मोर देन द स्टिपुलेटेड एज। अब जो एज बता दी, यानी कि 15 साल से 15 ईयर से 16 ईयर तक जो व्हीकल चल चुके हैं अब वो नहीं चल पाएंगे, ठीक है ना, 31 दिसंबर 1998 के बाद इन्हें बैन कर दिया गया दिल्ली में चलाने पे, चाहे वो रजिस्टर्ड कहीं भी हो। दिस बैन ऑर्डर शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल सच व्हीकल विच डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी और परमिट टू अप्लाई इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, ठीक है। तो ये सब उन्होंने कहा कि बैन ऑर्डर एक तरीके से डाल दिया था सभी व्हीकल्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये हमारी देखो ये डाला, और बाद में ना इन्होंने क्या किया है, अब ये सभी जगह कर दिया, ये ऑल ओवर इंडिया ही कर दिया है, ठीक है, कि 15 से 16 ईयर्स से ऊपर की जितने भी व्हीकल्स हैं उनको बैन कर दिया है। अगर आपने 15-16 साल तक एक व्हीकल को चला लिया है तो आप उसके बाद नहीं चलाएंगे उसको, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखो समरी देख लेते हैं पूरी इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, क्योंकि देखो मैं वही कह रही हूँ कि पूरा का पूरा एक्ट अगर आप पढ़ने लगोगे ना, आप गूगल पे सर्च करना आपको पूरा एक्ट मिल जाएगा, ना आपको समझ में आएगा और ना ही मैं इतना बहुत लंबा हो जाएगा समझा पाऊँगी आपको। तो आपने क्या करना है, जो मैंने आपको पॉइंट बताए मोर देन सफिशिएंट है, इन सबको अच्छे से देखना है, ठीक है। रेगुलेटरी मेजर टेकन टू प्रिवेंट एनवायरनमेंट डेटोरेशन एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि हमें कुछ रेगुलेटरी मेजर अपनाने हैं प्रिवेंट करने के लिए एनवायरनमेंट डेटोरेशन को, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है और नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, ताकि हम क्या कर सके, एड्रेस कर सके जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं उसको। द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड गाइडलाइन नोटिफिकेशन एंड पॉलिसीज प्रोग्राम्स अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फ्रॉम द टाइम टू टाइम रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज फॉर अटेंडिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, यानी कि इस एक्ट के अंदर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन डाले जाते हैं, पॉलिसीज़ प्रोग्राम बनाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि प्रोटेक्ट कर सके हम, कंजर्व कर सके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमारी, ठीक है ना, एनवायरमेंटल क्वालिटी को। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉलोज द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल दैट इंश्योर्स द पोल्यूटर मे पे फॉर डैमेज कॉज्ड टू एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये एक्ट ये कहता है कि जो पोल्यूटर है ना वो पे करे, ठीक है, जिसने हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया है उस पर पेनल्टीज़ लगनी चाहिए, उसे डैमेजेस देने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो किसको डैमेज कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को तो कर ही रहा है साथ में ह्यूमन हेल्थ को भी कर रहा है, ठीक है। तो कुछ और एक्ट हैं हमारे छोटे छोटे, उनको भी कर लेते हैं, वाटर एयर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1974, इनके जो ईयर्स हैं भैया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द कॉलम में ये आ सकते हैं, ठीक है, तो ईयर तो बिल्कुल रट लेना, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974, टू प्रोवाइड द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन
एंड फॉर द मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग द होलसमनेस ऑफ वाटर इन द कंट्री, ताकि प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके हम वाटर पोल्यूशन को, और मेंटेन कर सके, रिस्टोर भी कर सके वाटर को कंट्री के अंदर, यानी कि पानी ख़त्म हो जाए. ठीक है. द बोर्ड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस. दिस पॉलिसी सेट्स द स्टैंडर्ड्स एंड पेनल्टीज फॉर नॉन कम्प्लायंस फॉर पॉल्यूटिंग बॉडीज. ठीक है. ये जो बोर्ड है उसने एडवाइस किया है गवर्नमेंट को इस मैटर के कंसर्न में, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल करें वाटर पॉल्यूशन को. वो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को. ठीक है. जो टेक्निकल असिस्टेंस है, गाइडेंस है, वो प्रोवाइड करता है यहाँ पे. द गवर्नमेंट हैज़ पावर टू रिस्ट्रिक्ट एनी यूनिट एंड टू टेक सैम्पल्स ऑफ इन्फ्लुएंट एंड गेट द एनालाइज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेबोरेटरीज. हूएवर फेल्स टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, फाइन एंड और विद बोथ. यानी कि गवर्नमेंट को ये पूरी पावर है कि वो कहीं से भी, मतलब जो सैंपल है वो ले सकती है. ठीक है. और उसको फिर एनालाइज करवा सकती है सेंट्रल या स्टेट लेबोरेटरी से. और अगर कोई मिलता है ऐसा उस सैंपल में कि जो वाटर पोल्यूशन है, ठीक है ना, कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, वो उसको या तो जेल होगी या फाइन होगा या फिर दोनों ही हो सकते हैं. ठीक है. अब आगे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, जो कि 1981, ठीक है, 1981 तो याद रख लेना, पास में है. एयर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86, 81 और ये कितना था हमारा 1974. ठीक है. वाटर वाला तो पार्लियामेंट इनेक्टेड द एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 टू अरेस्ट द डेटोरेशन ऑफ एयर क्वालिटी, की जो एयर की क्वालिटी है उसको देखें. ठीक है. द नोटेबल पॉइंट फ्रॉम दिस एक्ट आर एज फॉलोज. तो कुछ पॉइंट्स हैं इस एक्ट के, वो कौन कौन से हैं कि एक्ट जो है, प्रोविज़न जो बनाए गए हैं वो CPCB के द्वारा लाए गए हैं, यानी कि जो CPCB है वो अपेक्स लेवल रहेगा, उसके बाद आएगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ठीक है. स्टेट लेवल पे जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्लान है, कंप्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन टू सिक्योर द एग्जीक्यूशन देयर ऑफ. दे आल्सो एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन. जो हमारा SPCB है, यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी सजेशंस दे सकता है इस मैटर के कंसर्न में कि प्रिवेंशन कैसे की जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए हमारी एयर पोल्यूशन को. ठीक है. उसके बाद है हमारा फॉरेस्ट एक्ट, वो है 1980 में. तो फॉरेस्ट आ गया 1980, ठीक है, एयर आ गया 1981 और वो हमारा 74 था. मैं बार बार बता रही हूँ कि इसके जो ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, चेक्स द इनडिस्क्रिमिनेशन डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड नॉन फॉरेस्ट पर्पस. तो चेक करें कि क्या डिस्क्रिमिनेशन है, फॉरेस्ट लैंड कौन सी है, नॉन फॉरेस्ट कौन सी है. द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्मल प्रपोजल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड नॉन फॉरेस्ट पर्पज इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद डिटेल सच एज फ्लोरा एंड फ्यूना मैप एंड देयर एरिया कंपनसेटरी एयर फॉरेस्टेशन पर्पज. तो जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरेटरीज हैं, उनको कहा गया कि वो सबमिट करें एक प्रपोजल जिसमें पताएं डाइवर्ज करें कि ये हमारी फॉरेस्ट लैंड है, ये हमारी नॉन फॉरेस्ट लैंड है. वहाँ का फ्लोरा फ्यूना बताएं कि किस तरीके का, यानी जीव जंतु कैसे हैं, उनका मैप एरिया सब चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएं. एज़ पर द अमेंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल इन फोर्स नाउ द रीजनल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हैव द पावर टू डिसाइड प्रपोजल इन्वॉल्विंग फॉरेस्ट लैंड अप टू 5 हेक्टेयर. अगर हम देखें तो 5 हेक्टेयर तक का अगर कोई फॉरेस्ट लैंड है तो उसके ऊपर कौन ध्यान देगा. ठीक है. उसका लिए है रीजनल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है. अगर कोई है हमारा फॉरेस्ट लैंड 5 से 20 हेक्टेयर शैल बी प्रोसेस्ड बाय द रीजनल चीफ कंजर्वेटर कंसल्टेशन विद स्टेट एडवाइजरी ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट. तो उसके साथ हमारा कौन मिल जाएगा, यानी कि रीजनल चीफ कंजर्वेटर कंसल्टेशन तो है ही, उसके साथ में स्टेट एडवाइजरी ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी आ जाएंगे हमारे अगर 5 to 50 हेक्टेयर की हमारी फॉरेस्ट लैंड है. प्रपोजल इन्वॉल्विंग, अगर कोई प्रपोजल है हमारा 20 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड का आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड बिफोर, तो किसके आगे रखना है फिर वो प्रपोजल, हमने एडवाइजरी कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. ठीक है ना. उसके
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 में, तो सबसे पहला एक्ट है हमारा 1972 जब हमारी स्टॉकहोल्म की मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, जून में। तो वहीं से ध्यान रखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ हमारा 1972, ठीक है, वाटर का एक्ट हुआ 1974, ठीक है, और ये हमारा हुआ था 1980, और ये हमारा हुआ था मतलब फॉरेस्ट का हुआ था 1980, और 81 है हमारा एयर का, ठीक है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस बना लेना और लर्न कर लेना। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड मैटर कंसर्न विद दम विद अ व्यू टू इंश्योर द इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो एक्ट है वो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हमारे बर्ड्स हैं, उनसे कनेक्टेड है, तो उनका जो इकोलॉजिकल चलता है, ठीक है ना, सर्कल एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी हो इंडिया के अंदर, ठीक है। हैज़ प्रोविज़न फॉर कंजर्वेशन कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेजर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्योना, जो भी जीव जंतु हैं जो कि कहते हैं ना ऐसे स्पीशीज़ हैं जो रेयर हो चुके हैं, अभी बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, लुप्त होने वाले हैं, तो उनके उनको कैसे बचाया जाए, ठीक है, और क्या हो रहा है, उनको मार करके इंटरनेशनल ट्रेड किया जा रहा है, तो उसके लिए प्रोविज़न बनाना है, ठीक है। इट हैज़ सिक्स शेड्यूल विच गिव वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो सिक्स शेड्यूल बनाए गए हैं यहाँ पे जो कि अलग अलग डिग्री की प्रोटेक्शन क्या है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो आप कि सिक्स शेड्यूल में क्या है, जो स्पीशीज़ लिस्टेड हैं शेड्यूल वन एंड पार्ट टू शेड्यूल टू गेट एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देनी है। ऑफेंसेज अंडर दिस प्रिस्क्राइब्ड इज हाईएस्ट पेनल्टीज लगेंगी, अगर उस जो शेड्यूल वन और टू में जीव जंतु हैं अगर उनको किसी ने उनके साथ गलत किया तो, ठीक है, यानी उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो स्पीशीज लिस्टेड शेड्यूल थ्री एंड फोर आर आल्सो प्रोटेक्टेड है, बट द पेनल्टीज थोड़ी उसमें कम है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल फाइव है, इंक्लूड्स उसमें आ गए एनिमल विच में भी हंटेड, जिनका शिकार किया जा सकता है, वो शेड्यूल फाइव में है। प्लांट्स इन शेड्यूल सिक्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग, जिनको मना किया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है कि इनको नहीं मतलब आपने कल्टीवेट करना है या प्लांट करना है, ठीक है ना। इट आल्सो सेटअप यहाँ पे और क्या सेटअप किए गए हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, क्योंकि बिल्कुल ही जो टाइगर्स हैं उनका शिकार बहुत होता था और अब वो बहुत कम रह गए हैं संख्या में, ठीक है। द एक्ट्स सेटअप वेरियस प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रेड एंड पेनल्टीज फॉर हंटिंग द एनिमल्स इन वाइल्ड, तो इसी एक्ट में ही हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही हमारी पेनल्टीज़ हैं कि उनका ट्रेड ना हो, उनकी शिकार ना हो, ठीक है। तो पांच तरीके के प्रोटेक्शन एरिया बनाए गए हैं, जैसे सेंचुरीज हो गई हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई जैसे, तो द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर इट इट्स इंटेंशन एंड कंस्टिट्यूट एनी एरिया, कोई भी एरिया स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर कर सकती है कि ये जो एरिया है वो सेंचुरी है फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ है और एनवायरमेंट है। द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन इन और ओवर लैंड विद इन द सेंचुरी, तो गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कि क्या नेचर रहेगा, किस तरह के राइट्स होंगे उन पर्सन के जो उस एरिया में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही, वो भी ऐसे ही था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी एक एरिया को जो एरिया है इनसाइड द सेंचुरी और नॉट, हो भी सकती है सेंचुरी के अंदर, नहीं भी हो सकती है, उसको एक नेशनल पार्क के रूप में, उसका पर्पज़ क्या है, प्रोटेक्ट करें और डेवलप है हमारा वाइल्ड लाइफ और इसके एनवायरनमेंट को। द स्टेट गवर्नमेंट कैन अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, यानी कि जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसके रिकमेंडेशन पे अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अल्टर कर सकती है उन बाउंड्रीज़ को जो नेशनल पार्क के हैं। नो गेजिंग इज़ अलाउड इनसाइड द नेशनल पार्क, कोई ये नहीं है कि अपने गाय भैंस बकरी चराने लेके जा रहा है नेशनल पार्क में, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल प्रोविज़न एप्लीकेबल टू सेंचुरी आर एप्लीकेबल टू द नेशनल पार्क, जो प्रोविज़न हमारे सेंचुरीज में एप्लीकेबल हैं वो नेशनल पार्क में भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं, द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द लोकल कम्युनिटी, स्टेट गवर्नमेंट लोकल कम्युनिटी के साथ कंसल्ट करके डिक्लेयर कर सकती है एरिया को कि ये जो एरिया है या इससे आगे की जो एरिया है, जैसे वो ज़्यादा एरिया होते हैं हमारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज के एडजेसेंट यानी उसके साथ लगते एरिया होते हैं एज कंजर्वेशन रिजर्व कह सकती है उसको। द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट से कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बना सकती है, वो एक कमेटी बना सकती है कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी एंड कंजर्व द कंजर्वेशन रिजर्व और उसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है।
ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं? द स्टेट गवर्नमेंट कैन इन कंसल्टेशन विद द कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल हु हैव वॉलेंटियर्ड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। अब ऐसा हो सकता है कि कोई कम्युनिटी है या कोई एक इंडिविजुअल है, वो वॉलेंटियर है, वो अपनी इच्छा से चाहता है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, उसको बचाना, तो वो डिक्लेयर कर सकता है अपनी प्राइवेट जो उसकी कुछ लैंड है, जो लगता है कि ठीक है ना, उसको अपनी लैंड लग रही है कि मैं इसको एक कम्युनिटी रिजर्व बना दूं, या एक कोई कम्युनिटी है उसको लगता है कि मेरी लैंड है उसको मैं कम्युनिटी एक तरीके का रिजर्व बना दूं। ए कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंजर्विंग एंड मैनेजिंग द रिजर्व। तो वहाँ वो ऐसे कर सकता है, कंजर्व कर सकता है उन जीव जंतुओं को, ठीक है, जो लुप्त हो रहे हैं उस तरीके से, अगर वो खुद से का वॉलेंटियर है और स्टेट गवर्नमेंट भी उसको अलाउ करती है तो, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स बने हुए हैं, द एरियाज वर रिजर्व फॉर प्रोटेक्टिंग टाइगर इन द कंट्री। द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मे नोटिफाइन एन एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व। तो जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे टाइगर रिजर्व बनाए जा सकते हैं, फॉर विच इट हैज़ टू प्रिपेयर ए टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनेगा, ठीक है। अब देखो जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं वाइल्ड लाइफ से, ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी में बहुत ये पूरा सिलेबस जो है पीपल एंड एनवायरमेंट का यूपीसी का सेम उठा करके यहाँ पे डाल दिया गया है, और उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वही ज़्यादातर आ रहे हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो आपको अगर कहीं से मिले, अगर मुझे मिल गए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी यूपीएससी के, अगर आपको कहीं से मिले यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के तो प्लीज़ आप उसको गो थ्रू करें, ठीक है। देखो बायोस्फीयर ये आया हुआ हमारा दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से होते हैं? आर कंप्राइजिंग ऑफ टेस्ट्रियल मैरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम मोनिटर्ड बाई नेशनल गवर्नमेंट, या फिर थर्ड है हमारे एरिया वेयर थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कैप्ट इन देयर हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो हमारा यहाँ पे आंसर है 1 और 2, यानी कि जो एरिया है कंप्राइजिंग है टेस्ट्रियल मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम में और मॉनिटर किए जा रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो आएगा सबको ये बायोस्फीयर समझ में आएगा कि क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि जो एरिया कंप्राइजिंग है टेस्ट्रियल मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम है वो मॉनिटर किया गया जा रहा है हमारे नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, ओके। अब एक और क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्वेश्चन देखो 2011 का पूछा हुआ है इन्होंने कि मार्च 2011 में कितने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, क्योंकि ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से उठा करके यहाँ पे बिल्कुल सेम दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी 102 से 515 है, ठीक है। और अगर हम अब देखें तो हमारे जो नेशनल पार्क हैं 2020 के अंदर तो वो हैं 103 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया के अंदर 2020 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और एक पूरा चार्ट मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में दे दूंगी कि जिसके अंदर कितने हमारे नेशनल पार्क हैं, कितने हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, और कितना हमारी यहाँ पे जो कंजर्वेशन है, कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं कितने हैं। बट आपका भी एक होमवर्क है कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया के अंदर 50-50 के राउंड अबाउट हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, प्लीज़ उनको एक बार देख लें कि कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला टाइगर रिजर्व कहाँ है, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो होपफुली आपके भी पेपर में आ सकता है। तो एक बार आप गो थ्रू कर लें कि वो 50 टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडी, ओके, बाय बाय।